अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से लगातार लोग देश छोड़ रहे हैं। वहीं अफगान से कई हिंदू और सिख अब तक देश छोड़ भी चुके हैं। इसी बीच अफगानिस्तान से शुक्रवार को 104 हिंदू और सिख को वापस लाया गया। इसी के साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पावन स्वरूप और पवित्र गीता को भी सुरक्षित भारत लाया गया। इसमें एक स्वरूप 350 साल पुराना है, जिसे हाथों से लिखा गया था। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान से लाए जाने पर सिख समुदाय में खुशी की लहर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सर पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर पूरे श्रद्धा भाव के साथ एयरपोर्ट के अंदर लेकर आए, जहां बड़ी संख्या में लोग पावन स्वरूप के दर्शन के लिए इकट्ठा थे। फूलों की वर्षा के बीच यहां से पावन स्वरूपों को पालकी साहिब में रखा गया। वहीं भारत के लिए उड़ान भरने से पहले अफगानिस्तान नागरिकों ने भारत सरकार का धन्यवाद किया। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ते तहे दिलों धन्यवाद करते हैं सारिया संगतां वालों। अज असी खुशकिस्मत हाँ कि लगभग 3 महीनिया के इंतजार तो बाद अज असी काबुल तो दिल्ली लई उड़ान भर रहे हैं। अज फसे भारतीयों के नाल हिंदू अते सिख धर्म नाल संबंधित 102 अफगान नागरिकता नूं एयरलिफ्ट किया जा रहा है। असी अफगानिस्तान तो 3 पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अते आसमाई मंदिर काबुल के पुरातन हिंदू ग्रंथ पुस्तकां भी नाल लैके आ रहे हां। भारत विचले सारे अफगान सिख गुरुद्वारा अते मंदिर कमेटियां अते सरकार दा बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये पवित्र ग्रंथ अफगानिस्तान के काबुल से लेकर एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल अपने साथ 3 गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आया था। मैं दस्या सी कि मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मिले और मैं उन्होंने कहा कि इन्होंने ई वीजा दे दियो, ये किसी तरीके भारत फ्लाइट लेके आ जाएंगे या पाकिस्तान तो या किसी और मुल्क तो चल के। तो उन्होंने कहा कि आप वीजा नहीं, उन्होंने सुरक्षित लेके आवेंगे। तो मैं उन्होंने कहा कि अगर हे हो जाए तो होर की चाहिए। सो मैं आज धन्यवाद करदा कि वो दिन देखने को मिलया, उन्होंने बूर पिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप और एक गुरु साहब के एक पोथी जी जी हथ लिखत है और मेरा ख्याल है कोई 350 साल पुरानी दस रहे हैं। उत्थे अफगानिस्तान सी, मैं उसकी वीडियो भी थोड़ी जी शेयर करूंगा। सो वह भी नाल लेके आए ने। तो मैं समझदा कि यह बहुत ही अद्भुत एक जो नज़ारा सी। आपको बता दें कि जिन लोगों को यहां लाया गया है वो सभी अफगानिस्तान के नागरिक हैं। वहीं इस मौके पर बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को धन्यवाद किया और किसी और मुल्क तो चल के। तो उन्होंने कहा कि आप वीजा नहीं, उन्होंने सुरक्षित लेके आवेंगे। तो मैं उन्होंने कहा कि अगर हे हो जाए तो होर की चाहिए। सो मैं आज धन्यवाद करदा कि वो दिन देखने को मिलया, उन्होंने बूर पिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप और एक गुरु साहब के एक पोथी जी हथ लिखत है और मेरा ख्याल है कोई 350 साल पुरानी दस रहे हैं। उत्थे अफगानिस्तान सी, मैं उसकी वीडियो भी थोड़ी जी शेयर करूंगा। सो वह भी नाल लेके आए ने। तो मैं समझदा कि यह बहुत ही अद्भुत एक जो नज़ारा सी जदों ऐसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करने का मौका मिले और संगतां का जो आगमन होया और खुशी उन्होंने चेहरे पर झलक रही थी कि हूँ असं सुरक्षित हैं। सो मैं भारत सरकार का, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और जेपी नड्डा जी का, जिन्होंने खुद आके इतने सेवा निभाई है। इसी साल 15 अगस्त को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इसी साल अगस्त में अफगानिस्तान से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भारत पहुंचे थे। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अगले ही दिन से भारत ने अपने लोगों को वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ही ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। आई एन रिपोर्ट।